हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 5G फ़ोन की, वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई को ऑन करना चाहते हैं पर ऑन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो बताने वाले हैं कि वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी जिस पे जाकर अपने फ़ोन में वाईफाई की ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे। देख सकते हैं कि सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ऑप्शन आता है रीसेट ऑप्शंस, तो रीसेट ऑप्शंस पे जाकर आपके पास ये ऑप्शंस भी आ गए हैं जिसके जरिए वाईफाई की ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे। देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है जहाँ से वाईफाई ऑप्शन पे जाना है, जहाँ से वाईफाई की ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप रीसेट सेटिंग्स पे जाते हैं तो रीसेट सेटिंग्स पे जाकर आप अपने फ़ोन में वाईफाई की ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वाईफाई की ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और वाईफाई सेटिंग्स को रीसेट करते ही आपकी जो भी वाईफाई की प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएगी इसके ज़रिए। तो इस तरीके से वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, और आप चाहें तो यहाँ से भी ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। सिंपली जब आप इस पर जाते हैं पासवर्ड डाल देंगे, तो पासवर्ड डालते ही देखते हैं यहाँ पर रीस्टोर ऑल सेटिंग्स है, जो भी वाईफाई ऑल सेटिंग है नेटवर्क सेटिंग्स होगी इसके जरिए आप रीसेट करके रीस्टोर कर सकते हैं और वापस ला सकते हैं और अपनी वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।